नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। शिवसेना द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पुतला दहन किया गया। यह पुतला दहन प्रभात पेट्रोल पंप चौराहे पर किया गया। वहीं शिवसेना के अध्यक्ष शैलेंद्र रैकवार ने बताया कि दिल्ली में संसद से मात्र 6 किलोमीटर दूर प्राचीन मंदिर में मुसलमानों द्वारा मंदिर की मूर्तियां तोड़ी गईं, जिस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। बीजेपी सांसद मंदिर जाना नहीं चाहते। वहीं रैकवार ने बताया कि हिंदुस्तान में हजारों मंदिर ऐसे हैं जो तोड़कर मस्जिद बना दिए गए हैं, लेकिन मंत्री नेता सुनने को तैयार ही नहीं है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। इस कार्यक्रम में राजीव चतुर्वेदी, मुकेश श्रीवास्तव, योगेश शर्मा, संतोष राहुल, दीपक सोनी, पवन शर्मा एवं शिवसेना के समस्त कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। आज हमने प्रदर्शन किया है उत्तर प्रदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का हमने पुतला जलाया है, क्योंकि वहाँ पे संसद से केवल 6 किलोमीटर आगे एक प्राचीन मंदिर है जिसमें मुसलमानों ने घुस के तोड़फोड़ की। और वहाँ के जो भी विधायक हैं, जो एक मोंडन है, जो आम आदमी की पार्टी के हैं, और वो उन पर कार्रवाई करवाना नहीं चाहते, ना ही अरविंद केजरीवाल उन पर कार्रवाई करना चाहते हैं। इसलिए हमने उन पर कार्रवाई के मुद्दे को रखते हुए पुतला दहन किया आज पे, और कार्रवाई की मांग की है। प्रदेश भर में हुआ है या केवल आप? नहीं, आज हमने केवल भोपाल में किया है। अगर एक हफ्ते के अंदर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई, उन पर कार्रवाई नहीं की गई, तो हम पूरे मध्य प्रदेश में पुतला दहन और उग्र आंदोलन करेंगे। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। इस प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।